नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जिससे आप रहते हैं अपडेट। तो बिहार समाचार में हम बात करेंगे बिहार की राजनीति की खबरों को, वहीं हम बात करेंगे कि सरकारी नौकरी का क्या है हालचाल। इसी के साथ हम बात करेंगे जमीन सर्वे को लेकर, क्या आया है नया अपडेट और पंचायतों में क्या चल रहा है। तो हम समाचार शुरू करते हैं शिक्षा विभाग से। ये समाचार शुरू करते हैं कि बिहार के 8 शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ गई है। सुपौल जिले के 8 शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। शिक्षा विभाग ने मांगा है जवाब। बिहार के सुपौल जिले के प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था में अनियमितता देखी गई है। कई विद्यालय मध्याह्न भोजन योजना में हेरा फेरी और शिक्षकों के अनुशासनहीनता की शिकायतें मिली है, जिससे लेकर इन शिक्षकों के मुश्किलें बढ़ गई हैं। और वहीं बिहार में जमीन सर्वे आसान नहीं है, लेकिन सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब जो भी कानूनगो हैं उन्हें कैथी भाषा सिखाया जाएगा। 586 साल पुरानी कैथी से चकरा रहा है माथा। अब नीतीश कुमार ने लिया है बड़ा फैसला कि बिहार में जमीन सर्वे का काम जारी है, लेकिन कैथी लिपि में लिखे पुराने दस्तावेजों के कारण भूस्वामियों को परेशानी हो रही है। सरकार ने नवनियुक्त अमीन और कानूनगो को कैथी लिपि का परीक्षण देने का निर्णय लिया है, ताकि सर्वे का काम सुचारू रूप से हो सके। और कैथी लिपि में लिखे गए 1980 से पहले के अधिकतर दस्तावेज जो है कैथी लिपि में है। नवनियुक्त अमीन और कानूनगो को कैथी लिपि की जानकारी नहीं है। अब नवनियुक्त जो अमीन और कानूनगो है उन्हें कैथी भाषा सिखाया जाएगा। लेकिन एक किसी भी बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है कि बिहार में भूमि सर्वे रोका जा सकता है। लैंड सर्वे का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है और पूरा मामला जानिए क्या है कि पटना हाईकोर्ट में बिहार में चल रहे जमीन सर्वे पर रोक लगाने के लिए एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता राजीव रंजन सिंह का कहना है कि सर्वे में त्रुटियां हैं, इससे राज्य की स्थिति खराब हो सकती है। उनके मुताबिक इस बाबत उन्होंने बिहार के मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों को ज्ञापन भी दिया है, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया है। बिहार में जो भूमि सर्वे चल रहा है उस पर हाईकोर्ट के वकील ने रोक लगाने के लिए जनहित याचिका दायर कर दिया है। तो यह जमीन सर्वे हाईकोर्ट में कोर्ट में अटक सकता है। और वहीं बीपीएससी में अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी, 17वीं भर्ती परीक्षा 1964 पदों के लिए निकाली गई है भर्ती। प्रीलिम्स में 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। बीपीएससी 17वीं कंबाइंड परीक्षा का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। 1964 पदों पर भर्ती निकाली गई है। बिहार लोक सेवा आयोग के इतिहास में संयुक्त सिविल सेवा यह सबसे बड़ी वैकेंसी है। वेबसाइट पर इसका नोटिफिकेशन कल तक जारी किया जाएगा। आरक्षण को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, लेकिन यह मामला अब कोर्ट का फैसला खसखस करके आ गया है। 8 से 9 लाख आवेदन देने आने की आशंका है। अब कोर्ट की बात कर रहे हैं तो TRE3 रिजल्ट अक्टूबर के अंतिम हफ्ते में आएगा। 50% ही आरक्षण रोस्टर लागू किया जाएगा। TRE3 का फाइनल रिजल्ट अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में जारी किया जाएगा। रिजल्ट में 50% आरक्षण रोस्टर लागू होगा, यह जानकारी बीपीएससी के अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई ने दी है। उन्होंने कहा है कि पहले रिजल्ट को नए आरक्षण सिस्टम के आधार पर बनाया गया था, लेकिन कोर्ट में मामला होने के वजह से पुराने आरक्षण रोस्टर को लागू किया गया है। ऐसे में नए सिरे से रिजल्ट बनाया जा रहा है, इसके बाद उसे जारी किया जाएगा। इससे पहले TRE3 का वकेट से 5 से लेकर अन्य विषयों का फाइनल आंसर की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। और वहीं एक मामला बहुत
तुल पकड़ता जा रहा है। टीडीपी का दावा है तिरुपति में लड्डू में एनिमल फैट और फिश ऑयल था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंध्र सरकार से रिपोर्ट मांगी है, लेकिन जो अब तक को जो मामला सामने आया है जांच में यह पाया गया है कि एनिमल फैट पाया गया है। अब लैब रिपोर्ट के आधार पर अब यह मामला कोर्ट में जा सकता है, कोर्ट में दर्ज किया जा सकता है। अब जमीन सर्वे को लेकर तरह तरह के जो समाचार आ रहे हैं, अब यह है कि मीठे पानी के सबसे बड़ी झील का मालिक कौन है? जहां पानी नहीं वहां खेती होती है। गांव वाले बोले जो जमीन सर्वे करने आएगा वह मार खाएगा। यह मामला बेगूसराय के कांवर झील को मीठे पानी के सबसे बड़े झील के तौर पर जाना जाता है। बिहार में शुरू हुए सर्वे के बाद अब इसकी जमीन को लेकर हंगामा शुरू हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि झील के लिए ली गई करीब 10,000 एकड़ जमीन हमारी है। कांवर झील में करीब 15,780 एकड़ जमीन है। इसमें सामान्य तौर पर 3 से 5 हजार एकड़ जमीन में पानी भरा रहता है। पानी बढ़ने पर यह 6 से 7 हजार एकड़ पहुंचता है, लेकिन लोगों का दावा है कि पहले झील और फिर पश्चिम बिहार बनाने के लिए आसपास के करीब 7,000 परिवारों की 15,780 एकड़ जमीनें ली गई थी। अब वन विभाग लेटर जारी कर होने वाले सर्वे में पूरी जमीन पर अपना दावा कर रहा है, जिससे ग्रामीण आक्रोशित हैं। और पूर्णिया में पूर्व विधायक बीमा भारती के घर की कुर्की, गोपाल यादव का मर्डर केस में फरार है बेटा, पति अवधेश मंडल कर चुका है सरेंडर। पूर्णिया के हाई प्रोफाइल गोपाल यादव का मर्डर मामले में रुपौली विधानसभा से 5 बार विधायक रहे बीमा भारती की टेंशन अब और बढ़ गई है। राजद नेत्री और पूर्व MLA के बीमा के भट्टा स्थित घर पर पुलिस ने कुर्की करवाई है। और वहीं जो नवादा की घटना, जो दलितों का घर जलाया गया था, वह बड़ा राजनीतिक रंग ले लिया है। इस मुद्दे को लेकर तेजस्वी ने मांझी को शर्मा बताया, तब मांझी ने लालू को गड़ेड़ी बनाया है। नवादा अग्निकांड के बाद 19% महादलित को साधने की कोशिश की जा रही है और बिहार में इसे जातीय रंग दिया जा रहा है। और इधर लैंड फॉर जॉब मामले में लालू की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब लालू यादव पर मुकदमा चलेगा। दिल्ली CBI ने दिल्ली की कोर्ट को दी जानकारी। गृह मंत्रालय की भी मंजूरी मिल चुकी है। अब अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को। इस मामले में लालू परिवार आरोपी है और नौकरी देने के बदले जमीन लेने का आरोप लगा है लालू परिवार पर। CBI ने पहला केस 18 मई 2022 को दर्ज किया था और पहली बार लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप भी तलब किए गए हैं। और इधर ED ने बालू कारोबारी पुंज सिंह को किया गिरफ्तार। 3 घंटे तक एजेंसी ने की पूछताछ। विशेष अदालत में होगी मामले की सुनवाई। नीट पेपर लीक मामला का और CBI ने दायर की पूरक चार्जशीट। कोर्ट ने केस विशेष अदालत को ट्रांसफर करने के लिए कहा है। और वहीं बाढ़ पीड़ितों को हर हाल में तय सुविधा और सहायता मिले, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह निर्देश है। और वहीं नवादा में जो दलितों पर हमले हुए हैं उसके पीछे राजद है, यह भाजपा के फायर ब्रांड नेता सम्राट चौधरी का बयान है। और इधर अगर करें कि EY के माहौल नीति पर सवाल, डेलॉय ने जांच की, 3 सदस्यीय कमेटी बनाई। अनसर्ड एंड यंग CA का काम, बोझ से मौत का मामला। जी हाँ, कर्मचारियों पर काम का बोझ है जिसके कारण एक CA की मौत हो गई थी, इस पर अब जांच रिपोर्ट जारी किया जा रहा है। भारत में 51% कर्मचारी सप्ताह में 49 घंटे काम किए जाते हैं। अब इस पर यह चर्चा हो रही है कि भारत के जो कर्मी हैं सरकारी कर्मी, उनका काम करने का घंटा निर्धारित किया जाए। और इधर कोसी के खजूर देवा चौक डोंगरा घाट तक बनेगा पुल। विषहरी मंदिर में पूजा के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का घोषणा। और इधर अगर हम बात करें तो खबर निकल कर सामने आ रही है पंचायती राज विभाग से। पंचायती राज विभाग में 17वीं वित्त का राशि जल्द जारी किए जाने की संभावना व्यक्त किया जा रहा है।
हालांकि पूजा का मौसम है और इस पूजा के सीजन में सरकार जो है भूमि सर्वे और स्मार्ट बिजली मीटर लगाने में उलझी हुई है, लेकिन जिसके कारण पंचायतों का काम पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जैसी उम्मीद जताई जा रही है कि अब पंचायतों में वार्ड सदस्यों का जो खाता है उसे क्रियान्वित किया जाएगा, वार्ड प्रबंधन का क्रियान्वयन समिति को फिर से पुनर्जीवित करने किया जाएगा और नल जल योजना को लेकर जो शिकायतें मिल रही थी, ऐसा भी जताया जा रहा है कि नल जल योजना फिर से पंचायतों के जिम्मे सौंपा जा सकता है। और वहीं साइबर अपराधियों का प्रकोप है, हर जगह से तरह तरह की खबरें आ रही है। बिजली अधिकारी बनकर खून किया, कनेक्शन काटने का भय दिखाया, खाते से 4,96,000 रुपये निकाले हैं, यह जो पटना से ही खबर आ रही है। अब नौबतपुर में ट्रक की ठोकर से बाइक सवार युवक की मौत। तो दोस्तों यह थी तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।